नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि बिहार एलआरसी अमीनी के लिए जो वैकेंसी निकाला गया था और जिसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर दिए थे, लेकिन अब जो है उसे कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया, मैं आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अब तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो चलिए लेके चलते उस नोटिफिकेशन के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब जो है सो बिहार एलआरसी अमीन का जो वैकेंसी है वो रद्द कर दिया गया है। क्यों किया गया, मैं चलिए आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बिहार सरकार राज्य सौ भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं। देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे सूचना के जरिए यहाँ पे बताया गया है कि राज्य सौ भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 4672 दिनांक 21/12/2022 के आलोक में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5/2022 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 6/2022 विशेष सर्वेक्षण कानून नगो विज्ञापन संख्या 7/12/2022 विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विज्ञापन संख्या 8/2022 विशेष सर्वेक्षण लिपिक को रद्द किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, साफ साफ बताया गया कि सभी सर्वेक्षण को यहाँ पे रद्द किया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, जो कि अधिसूचना संख्या 4672 दिनांक 21/12/2022 को, यानी कि 21 दिसंबर को ही ये अधिसूचना आया था कि ये जो है अमीन के लिए जो पद निकाला गया था एलआरसी बिहार एलआरसी राज्य सौ भूमि सुधार विभाग के लिए, इसको कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं साफ साफ लिखा गया। ओके, उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा हुआ है, उक्त अधिसूचना में प्रावधानित नियम के आलोक में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECE बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी, जिसमें विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि यहाँ पे अब जो है सो BCEB बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। ओके, और इसमें जो योग्य लायक अभ्यर्थी होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वही आवेदन कर सकते हैं। फिर से अब आप लोग को आवेदन करना होगा, पहले जो आप लोग आवेदन किए हुए हैं इसको रद्द कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है। ओके, और अब जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फिर से आवेदन करने के लिए, उसको जो है सो BCECE बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो इसके योग्य लायक होंगे वही स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।